अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम फोकस पॉइंट में आज हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आप पहले डेटा रखें, ठीक। अब यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आपने रखना है एस इक्वल टू वी बार मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक हो गया। अच्छा, ये लिखने के बाद ये आप इक्वेशन का एस वापस अपनी जगह रखेंगे, उसके बाद ये जो वी बार है इसका फॉर्मूला लिखना है, वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू। अच्छा, और अब पुट द वैल्यू ऑफ, अब क्या करना है आपने, पुट द वैल्यू ऑफ वी बार इनर। अच्छा, यहाँ पर वी बार की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ वी बार इनर, वी बार की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो एस की जगह एस आ गया और वी बार की जगह उसका फार्मूला आएगा, तो उसका फार्मूला है वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय ये टी अपनी जगह वापस, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। बट यहाँ पर आप देखें तो टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का जो फार्मूला है बट आपने लिखना है बट देन टी, टी जो है इक्वल टू, टी का फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, ठीक हो गया। अब एस अपनी जगह वापस, यहाँ पर ये एस अपनी जगह वापस आएगा, उसके बाद आपने वी एफ सेम टू सेम वापस वी बार का फॉर्मूला वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू, ये मल्टीप्लाई की साइन यहाँ आ गई, और टी का फार्मूला, टी की जगह टी का फार्मूला आएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टू, सॉरी अपॉन ए, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपने करना क्या है कि एस की जगह ये वापस वी एफ मल्टीप्लाई बाय वी एफ स्क्वायर प्लस माइनस माइनस देन वी आई मल्टीप्लाई बाय वी आई स्क्वायर, ठीक हो गया। टू ए मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय ए, ये हो गया टू ए, ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है आपने, ये टू ए जो हो गया यहाँ एस के पास जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर लिखना है टू ए एस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें तो आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई। सो इसी तरह यहाँ पर आप देखें टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पर एंड में आप देखें तो ये इक्वेशन सेम टू सेम प्रूव हो गई। तो इसी तरह ये इक्वेशन सॉल्व होती है, और ये एग्ज़ाम में 10 मार्क का क्वेश्चन है।